हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट, इसके साथ साथ कुछ जो ओलरीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और जो पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं, इन सब के बारे में जो कि आपके SRV नेट वेजिटेबल डिसिप्लिन से जो भी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर में अन्य जैसे SMS और STO की पोस्ट हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें पहले हम हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला जो इंस्टीट्यूट है उसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि CIH शॉर्ट में जाना जाता, जो कि मिडजीफेना नागालैंड में स्थित है। और उसके बाद फिर अगला इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी IHT, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके बाद फिर अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR, ये बेंगलोर में कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ से जो किस्में निकलती हैं, वैरायटी निकलती हैं, तो उनके नाम के आगे देखा होगा अर्का करके कोई भी किस्म होती है, जैसे अर्का राजहंस है, अर्का में एक दूत, इस प्रकार से किस्में पाई जाती हैं। तो जिनमें अर्का लगा होता है वो IIHR से निकली हुई किस्में होती हैं। इसके बाद फिर अगला नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, जो कि NBPGR के नाम से जाना जाता है और ये न्यू दिल्ली में स्थित है। इसमें विभिन्न प्रकार के जेनेटिक रिसोर्सेस को रखा जाता है। इसके बाद फिर अगला है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी NHB, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये गुड़गांव में स्थित है, हरियाणा में। इसके बाद फिर अगला है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन या NHM की जो शुरुआत की गई थी ये 2005 और 2006 में की गई थी। इसके बाद हम ओलरीकल्चर रिसर्च स्टेशन इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं। लगभग इन इंस्टीट्यूट से लगभग नेट में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो ओलरीकल्चर का हो या फिर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट हो या फिर इसमें पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है। अब इसमें जो ओलरीकल्चर से रिलेटेड है, इसमें पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद फिर अगला है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट CTCRI, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। इसके बाद फिर अगला है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI, जो कि शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ये पहले पटना में स्थापित किया गया था लेकिन इसको बाद में शिमला ट्रांसफ़र किया गया था। इसके बाद फिर अगला है नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, ये नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद फिर अगला है डायरेक्टोरेट ऑन ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च, जो कि पहले नासिक में स्थित था लेकिन अब इसको पुणे में स्थित कर दिया गया है, ट्रांसफ़र शिफ्ट कर दिया गया है महाराष्ट्र में। इसके बाद फिर अगला है डायरेक्टोरेट ऑन ऑफ मशरूम रिसर्च DMR, जो कि सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसके बाद फिर कुछ पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर हैं इंडिया में, उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी IICPT, जो कि तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद फिर अगला है फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट EFPCI, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद फिर अगला है सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CFET, जो कि लुधियाना पंजाब में स्थित है। इसके बाद फिर अगला है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI, जो कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद फिर अगला है सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज कोलकाता, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसके बाद फिर अगला है फूड रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी FRSL गाज़ियाबाद, और जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद फिर अगला है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है।
इसके बाद फिर अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट जो कि कुंडली हरियाणा में स्थित है। इसके बाद फिर अगला है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके बाद फिर अगला है रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि जम्मू में स्थित है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये आपका ट्रांबे बॉम्बे में स्थित है। इसके बाद फिर अगला जो है एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि एपिडा के नाम से जाना जाता है, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके बाद कुछ हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड सोसाइटीज़ हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहली है रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी जो कि लंदन में स्थित है इंग्लैंड में, इसकी स्थापना 1804 में की गई थी। इसके बाद फिर एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया AHSI जो कि 1820 में इसकी स्थापना कोलकाता इंडिया में की गई थी। इसके बाद फिर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंस ASHS 1903 में इसको ड्यूक स्ट्रीट अलेक्जेंड्रिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थापित किया गया था। इसके बाद फिर हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया है HIS, इसमें फिर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर जो अन्य इसके ब्रांचेज उनको अलग कर दिया गया। हॉर्टिकल्चर को स्वतंत्र रूप से एक सोसाइटी भारत में बनाया गया 1942 में पूसा न्यू दिल्ली में। इसके बाद फिर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंस ये ल्यूवियन बेल्जियम 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद फिर इंडियन सोसाइटी ऑफ वेजिटेबल साइंस ISVS इस सोसाइटी की स्थापना 1993 में की गई थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, कैसा था इसको हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं। और इससे लगभग आपका एक क्वेश्चन SRV नेट में ज़रूर पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल जो रिसर्च स्टेशन है जैसे आलू का है इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर पेरू, ये भी आप याद रखेंगे। और वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर जो कि ताइवान में स्थित है जिसको हम पहले एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के नाम से जानते थे, तो वो भी आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है।